welcome onto the stage our chief guest for this evening, the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Kiran Bedi, IPS. Considered liabilities at that time. Parents were saving for the girls to be married off. मैम, अनुशासन का दूसरा नाम है आप। आज भारत में अगर बात होती है अनुशासन की और कहा जाता है कि अगर आपकी यहाँ पोस्टिंग होती तो ऐसा नहीं होता, आपकी वहाँ पोस्टिंग होती तो ऐसा नहीं होता, आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन कैसे किया? सीखा है, ये मेरे साथ ग्रो किया है छोटी उम्र से ही। सो ये परवरिश में, उसके बाद अपने आप ध्यान से। डिसिप्लिन भी एक रोज़ की हैबिट होती है, एक आदत होती है जो कि रोज़ नरिश की जाती है, उसको खुराक दी जाती है, हैबिट को दोहराया जाता है तो ही हैबिट रहती है। हैबिट टूट भी सकती है जब आप नहीं दोहराते, तो अगर आप विश्वास करते हैं कि ये सही चीज़ है तो फिर आप उसको रोज़ दोहराते हैं, लेकिन वो दोहराना आसान रहता है क्योंकि वो हैबिट है। When I changed the face of the prison, they were jealous. When I exposed corruption in the police, I embarrassed them. There is an unholy nexus between police, politicians and criminals. These are powerful people, and there's a high price for going against them. I had to learn not to trust most of my seniors, and certainly never my peers. You know, most of your seniors, colleagues, would like to see you buried 200 feet below. These would love to see me fail, and instead, I emerged with international acclaim. What were you doing chasing a mob single-handedly in the middle of Delhi? Thank you.
strong, very courageous, very naive. She does have a temper. She's everything. It's all Kiran Bedi. मैम 69 इयर्स की हो चुकी हैं आप. अगर सही मायने में देखा जाए तो इस उम्र में लोग निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन आप अभी भी कभी पुलिस की कार पे चढ़कर जनता की बात सुन रही होती हैं, और कभी आप उन सरकारी ऑफिसर्स के रिटर्न एग्ज़ाम ले रही होती हैं उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए. इस उम्र में भी ये जो आपने एनर्जी मेंटेन करके रखी है, उसके पीछे का कारण क्या है? हम अपने अगर काम को भी तीर्थ यात्रा समझे तो, अगर हम अपने काम को मंदिर समझे तो, अपने दफ्तर को एक पूजा का स्थान समझे तो, अंग्रेजी में कहा गया ना वर्क इज़ वर्शिप, तो फिर तीर्थ यात्रा यही तो है. मैम आपको अगर आपका मैं पूरा जीवन का करियर देखूं, तो आपने ये साबित किया पूरे भारत में कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है. और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की गाड़ी को उठवा कर नो पार्किंग से, ये आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया. तो ये माइंडसेट आया जो आपके मन में कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है. जब एक आईपीएस शपथ ले रहा होता है वो बहुत ही इमोशनल फीलिंग होती है जब वो पहली बार वर्दी, और आप जैसी महिला जो कि पूरे भारत में कई करोड़ों महिलाओं की आवाज़ बनी, तो ये दिमाग में आपके कैसे आया? क्योंकि आपने कई बार स्टेटमेंट में भी बोला है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये चीज़ कैसे आई मैम? क्योंकि फिर से जाता है वापस आपकी परवरिश, ये आधार है. अगर आपकी परवरिश अनुशासित रही तो अनुशासन तो कानून की रिस्पेक्ट करता है ना, वो उसके दायरे में रहता है ना. तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी की, कानून भी सीखा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई भी की. तो पढ़ाई करते करते उसको मतलब ये है कि उसको अब्सॉर्ब किया. एक इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ा, ज्ञान के लिए पढ़ा, अपने समझ के लिए, सूझबूझ के लिए. जब आप पढ़ाई करते हैं सूझबूझ के लिए तो वो ज्ञान बनता है आपके लिए, इम्तिहान नहीं रहता है. तो ये प्रश्न है, शायद इसको हर भारतीय जानना चाहता होगा और हर कोई सुनना चाहता होगा. क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिनसे लोग कांपते हों, उनकी आंखों में आंसू आए, यानी कभी आपकी आंखों में आंसू आए, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? जिंदगी में रोज होता है. यहाँ जब आप पब्लिक की सेवा में रोज लगे रहते हैं, अनोखा इंसिडेंट हर दिन तो कुछ ना कुछ अलग अनूठा होता है, जो आपको खुशी भी देता है, खुशी के आंसू भी देता है, रुलाता भी है, दुखी भी देता है, खुशी भी देता है. तो ये तो जिंदगी, जब आप बहुत क्लोजली पब्लिक के साथ काम करते हैं, ये खुशी और गम दोनों साथ साथ चलता है, महसूस कराता है आपको. मैम ये जो प्रश्न है, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के काम आने वाला है. इसके संविधान में से अगर आपको कोई एक रूल बदलना होगा तो वो कौन सा होगा? हमारे बीच आज भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए देश से बड़ा कोई धर्म नहीं और देश हित में किए गए काम से बड़ा कोई कर्म नहीं. वी कैन बी डिग्निटेड. इट्स नॉट अबाउट डिग्निटी, इट्स ऑल अबाउट इंडिया. तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी. संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव. माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी. संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव.
पुकारा धरती ये पूछे बारंबार लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के लगन कहे विजय भव तेरा वतन आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा